नमस्कार, प्रदेश समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुमार, मैं इस समय उपस्थित हूँ वार्ड नंबर 31 में। हमारे पार्षद हैं संजय कुमार शर्मा जी, उनसे कुछ मुद्दों को लेकर के मैं आज बात करूँगा। तो सबसे पहले जानते हैं उनका पक्ष। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका छोटा सा पक्ष जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजय कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 31 और वार्ड का नाम है आवास विकास तिगलास रोड। सर, सबसे पहला मेरा जो सवाल ये रहेगा कि आपने अपने क्षेत्र में लगभग चार साल हो चुके हैं बात करने में, तो आपने मुख्य कार्य जनता को लेकर के क्या किया? मुख्य कार्य जो जनता के होते हैं वो चार वस्तु या चार कार्य ऐसे होते हैं जो प्रकृति से लोगों की अपेक्षा रखते हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क और पत्र प्रकाश व्यवस्था, जिसमें मैं तीन काम अपने वार्ड के लिए 50 साल का एक टारगेट लेके चलाता हूँ, जिसमें मैं कुछ शॉर्ट आउट कर चुका हूँ। पहला निर्माण का, दूसरा पत्र प्रकाश और तीसरा जल आपूर्ति व्यवस्था। ये तीन काम मेरे पूर्ण हो चुके हैं और आगे जो एक प्लान है, जैसे धन उपलब्ध होगा चाहे उसे या प्रदेश सरकार का या बोर्ड का, उसके आधार पर मेरा जो टारगेट है वो है मेरे पंचनगरी या मेरे निवास है वहाँ एक तालाब है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए लगभग एक DPR जो बना था वो 1,10,00,000 रुपये का, और नगरायुक्त ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी महीने डेढ़ महीने के भीतर वो टेंडर निकाल के उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। राजवादी विचारधारा थी, अब मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अलग अलग देशों का दौरा किया, दौरे पर उनका निकली थी जो विचारधारा आई, जहाँ तक मैं जो आकलन कर रहा हूँ या उनकी विचारधारा से मैं दुनिया के विचारों को समझ रहा हूँ, वो ये है कि पूंजीवादी होना चाहिए। और पूंजीवादी के लिए सबसे बढ़िया तरीका उनको जो लग रहा है, उनको जो लग रहा है कि हमें हर मोड़ से हर एंगल से जितना हम खींच सकते हैं पैसा वहाँ उतना खींचें। जनता की गरीबी से कोई मतलब नहीं है। अब पहला मुद्दा उन्होंने ये कहा था कि काला धन, काले धन के लिए हमारे अनुपम खेर जी, बाबा रामदेव जी, अदरवाइज जिन्होंने रामलंग ग्राउंड में उन्होंने सभा आयोजित की, ये फीडबैक इन लोगों को मिल रहा था वोटर को कैसे पोलराइज किया जाए। और पोलराइज करने में क्योंकि मीडिया साथ में थी, मीडिया अगर साथ थी और जनता का घुमा तो उन्होंने घुमा दिया। तो पहला मुद्दा काला धन, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी और तीसरा मुद्दा जो 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देना। अब रोजगार के नाम पर 0, काला धन तो इनका नारंगी हो गया, और बेरोजगारी के संबंध में आप समझ रहे हैं कि कितने विभागों से अभी इसी पीरियड में 15 लाख समथिंग जो एम्प्लॉय थे वो बेरोजगार हुए हैं। और महंगाई के मुद्दे पर कुछ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री थे जो कुछ हैं, कुछ अभी चले गए ऊपर वाले की कृपा से, उन लोगों ने बड़ा नंगा नाच किया था चौराहे पर, हाई महंगाई, हाई बेरोजगारी, लेकिन अब वो सब उनके पाए आते थे लोग हैं, जनता से कोई मतलब नहीं। जब प्रदेश लेवल का या राष्ट्रीय स्तर का जो चुनाव आएगा तो ये मुद्दे उसके लिए है, स्थानीय मुद्दे तो सिर्फ यही है कि हमें क्षेत्र के लिए विकास करना। अच्छा सर, इस समय जो राजनीति चल रही है महंगाई को शिक्षा को लेकर, और दिनों दिन इतनी महंगाई होती जा रही है कि मेरा व्यक्ति ना खा रहा है ना बच्चों को पढ़ा पा रहा है, तो उस बारे में आपका क्या विचार है? महंगाई पे जब तक केंद्र सरकार नैंसीज है पेट्रोलियम पदार्थ में, जैसे पेट्रोल है या डीजल है, इनको GST के घेरे में लाना पड़ेगा, महंगाई पे कंट्रोल होगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है। उधर किसान भी परेशान है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिसिटी का जो भार है वो भी बढ़ गया है। कुल मिलाकर के पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको करना पड़ेगा GST के घेरे में लाना। ऐसा अगर केंद्र सरकार करती है तो बहुत कुछ रेशियो जो डाउन हो जाएगा। महंगाई सर, आप ही के क्षेत्र में जो हमारा मेन रोड है जो आगरा रोड है, उसमें भी काफ़ी समय से जल भराव की समस्या बन रही है, और आपके कार्यकाल को भी लगभग 4 साल हो रहे हैं, तो आपकी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया गया या फिर आप प्रशासन ने आपको सुना नहीं? सेक्शन 3(1) आता है हमारे संविधान का, यानी नगर निगम संविधान है,
उस सेक्शन के 3(1) में ऐसा नियमावली है कि बृहद क्षेत्र यानी बढ़ा हुआ क्षेत्र अगर नगर निगम सीमा के अंतर्गत आता है तो ऑलरेडी 3(2) में वो जो उसका अधिकार क्षेत्र आ जाता है वो नगर निगम का आ जाता है। निगम की लापरवाही से वो क्षेत्र अपने निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आया, एक बार। दूसरी बात, इसमें NHAI ने जो रोड बनाया अच्छा किया, डिवाइडर बनाए अच्छा किया, NHAI ने इंटरफियर किया। दो ऐसे प्रोजेक्ट थे जो होने थे, एक तो वाटर सप्लाई लाइन का और एक डिवाइडर को लाइटिंग का, और तीसरा बिंदु जो था जहाँ इन्होंने नाली का कोई डिस्पोजल पॉइंट नहीं किया। डिस्पोजल पॉइंट, पानी का डिस्पोजल न होना ही वहाँ लेकिन बड़ा आपका कारण है। NHAI को 100% करना पड़ेगा। निगम जितना सहयोग कर सकता है उतना निगम करने को तैयार है, लेकिन वहाँ है क्या कि वो एक डीप पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, पानी के बहाव के लिए वहाँ को नेचुरल फ्लो नहीं मिल पा रहा, इसका कारण हो रहा है। जितना निगम ने कर सकते थे कि उन्होंने एक सीवर पंपिंग स्टेशन बनाया था जहाँ ये जल भराव होता है उसके अपोजिट साइड में, लेकिन मैन पावर कम होने के कारण वो प्रॉपर नहीं चल रहा। तो NHAI को करना है, इसमें जिला प्रशासन यानी कि हमारे जिला अधिकारी महोदया जी को भी सहयोग करना पड़ेगा कि कैसे भी करके NHAI से काम करें। मैंने कई बार डिमांड रखी है, हमारे आदरणीय श्री अशोक यादव जी अध्यक्ष रह चुके, उन्होंने भी बहुत प्रयास किए, और अभी मैं समझता हूँ कि जो उम्मीद है क्योंकि दिसंबर में जहाँ तक आचार संहिता लग जाएगी MLC निकाय चुनाव होने, उसके बाद में फिर फरवरी मार्च में राज्यसभा चुनाव होने, फिर मार्च क्लोजिंग आने है, कुल मिलाकर के नेक्स्ट सेशन में इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। इस समय बीमारियां चल रही हैं जैसे कोविड है और डेंगू है, तो इन समस्याओं से जूझने के लिए या इन समस्याओं का जो सामना करने के लिए आपके क्षेत्र में क्या तैयारी करना है? मेरी एक विशेषता है, मैं शब्द नहीं हम बोलूँगा, मैं रात को अपनी नींद से सोता हूँ और जगता पब्लिक की पहुँचा, ये मेरा समर्पण भाव है जो कि संवाद के माध्यम से एक समाधान निकलता है। शासन व्यवस्थाओं के आधार पर जो हमें सुविधाएं मिलती हैं जैसे कि सैनिटाइजेशन है, एंटी लार्वा है और फॉगिंग है, 99% समर्पण भाव से मैं क्षेत्र में अपना पॉकेट का खर्चा करके, अपने वाहन को इस्तेमाल करके, अपने शरीर को इस्तेमाल करके मैं करने की कोशिश करता हूँ, और अच्छा रेस्पॉन्स मुझे जनता की तरफ से मिलता है। इसके लिए मैं जनता का भी शुक्रगुजार करूँगा कि दूसरी बार मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया। तो अभी जो कोविड महामारी है और बीमारी है डेंगू की, उसको लेकर के आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम ये देते हैं कि जैसे कि डेंगू की बीमारी संचारी रोग है, संचारी रोग में अवेयर जनता का होना बहुत जरूरी है, वो हम जैसे कि जल भराव नहीं होना चाहिए, ये डेंगू का जो मच्छर है ये साफ सुथरी जगह में ही डेवलप होता है। दूसरा ये भी बताते हैं कि ज़्यादातर फुल आस्तीन के वस्त्र पहनने चाहिए और साफ सफाई रखें, और एक विशेष उपलब्धि मुझे जो पिछले शासन काल में हुई वो मुझे यहाँ एक PSC यानी कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र मिल गया था अपने वार्ड में, और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर 15 आशाएँ हैं, कुछ आंगनबाड़ी हैं साथ, और ANM वगैरह हैं, डॉक्टर भी हैं यहाँ, तो क्षेत्र की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। यही एक जो शासन की तरफ से सुविधा मिल रही है उसको हम भरपूर दे रहे हैं। सर अभी हमारा जो फेस्टिवल आ रहा है दिवाली, तो दिवाली को लेकर के आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? दिवाली के उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि त्यौहार जब करवा चौथ का स्टार्ट हो जाता है तो जब से त्यौहारों की घड़ी लगना शुरू हो जाती है, और विजय हर्षोल्लास और शुभता का प्रतीक है दिवाली, और दिवाली में आम जनता को भी चाहिए साफ सफाई चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, वो हम भरपूर दे रहे हैं, और शुभकामनाएं मैं क्षेत्रवासियों को जहाँ तक मेरी आवाज है प्रदेश को और राष्ट्रीय स्तर पर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा लगा सर आपसे मिलिए, बने रहिए आप प्रदेश समाचार के साथ।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।